नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी पहले की तरह अच्छे ही होंगे। आज मैं पवन आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो हाल ही के अंदर जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो अपडेट दी गई थी ई रूपी को लेकर, तो क्या है ई रूपी और कैसे काम करता है, सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा। तो यह वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जो ई रूपी है वह क्या है और इसके अंदर क्या बताया गया है। तो बेसिक अगर मैं बात करूं तो जो ई रूपी है वह 2 अगस्त को प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह लागू किया गया था। और यह किस लिए काम में लिया जाएगा कि जैसे अपन QR कोड को इस्तेमाल करके किसी को पेमेंट करते हैं, वैसे ही अभी ई वाउचर के रूप में आपको एक QR कोड दिया जाएगा, जिसकी मदद से आप लोग जो अपना पेमेंट होता है उसे ले सकते हैं। और जो QR कोड होगा उसको अपन अगर किसी को भेजना चाहते हैं तो उसको अपन ऑफलाइन या ऑनलाइन भी इसे भेज सकते हैं। और इसके अंदर यह बताया गया है कि अगर किसी भी यूजर के पास में अगर स्मार्टफोन नहीं है तो वह SMS के द्वारा भी इस QR कोड को भेज सकता है जिसको वह भेजना चाहता है। तो यह मुझे इसकी एक बहुत ही अच्छी सबसे खास बात यह लगी कि यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से काम में लिया जाएगा। जो ई रूपी है वह लॉन्च हुआ है किसके साथ मिलकर, NPCI के द्वारा मिलकर इसने इसको लॉन्च किया गया है। NPCI ने ही UPI को लॉन्च किया गया था 2016 अंदर, और अभी इसने NPCI ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड ने जो ई रूपी को लॉन्च किया है। और जो ई रूपी है वह अपन जब भी कोई किसी को अगर पेमेंट करना चाहते हैं या फिर किसी से पेमेंट लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि जो सामने वाला जो बंदा होगा वह आपको एक QR कोड या फिर ई वाउचर देगा, चाहे वो बिल के रूप में हो चाहे फिर वो रिचार्ज के रूप में, किसी भी रूप में आप इस ई वाउचर को यूज ले सकते हैं। और इस ई वाउचर का मैंने आप लोगों को एक फ़ायदा बता ही दिया है कि इसे आप लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन का भी इसे आप लोग यूज कर सकते हैं। और जब भी इस ई वाउचर का यूज जिस भी पर्पस से, अगर किसी यूजर ने आपको ई वाउचर रिचार्ज करने के लिए या फिर मूवी के लिए दिया होगा, तो आपने उस वाउचर का यूज मूवी के लिए किया है या नहीं, तो वह जो यूजर होगा उसको यह पता लग जाएगा कि जो वाउचर है वह सच में आपने जो ई वाउचर उसको जिस भी यूजर ने आपको सेंड किया है वह ई वाउचर आपने जिस भी पर्पज़ से आपने यूजर से प्राप्त किया है वह सही है या नहीं। तो यह भी एक अच्छा तरीका है इसके अंदर। तो इससे एक अच्छी जो डिजिटल पेमेंट की जो शुरुआत है उसके अंदर एक नई तेजी बताई जा रही है। जो ई रूपी है वह अभी 10 बैंकों के साथ में कोलैब करके अपना जो पेमेंट की जो शुरुआत है वह करने जा रहा है। और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें, और ऐसी जानकारी और देखने के लिए मेरे YouTube चैनल के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आप लोगों को जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वह मिल सके।